पता है सूप दौरी ले तो ली है लेकिन इसको उठाने का रहता है अभी। तो थोड़ी देर सब्र करके बैठने के बाद यहाँ पे पंडित जी को देख के हमको बहुत खुशी हुआ। पंडित जी जय श्री राम, ये लीजिए चढ़ा दीजिए और हमको प्रसाद दे दीजिए। मार्केट में एकदम उतरे और मस्त गाना वाना बज रहा है। हो गया ना भैया, देखिए ना ये वाला मूर्ति लिया, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। हर जगह बार्गेनिंग करती है गाइस, देख लीजिए हम कहीं बार्गेनिंग नहीं करते हैं। लाइट्स वगैरह तो शाम को देखने में मजा आता है। कहाँ गई, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ जाता है ना भैया। दीपावली के बाद रेट बढ़ा दीजिएगा ना, अभी और बढ़ाइएगा रेट। हमसे बोलती है ना अचानक से उठ के, मम्मा मम्मा पापा का याद आ रहा है मम्मा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक है क्योंकि मेरे साथ आप लोग जैसे बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो अभी तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। तो अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम दिखा रहे पहले। हाँ ये कैसा वॉलपेपर आ गया। हाँ टाइम हो रहा है 10:34 10:30 और आज है 9 नवंबर और हम मस्त एकदम नहा धो करके पूजा पाठ करके रेडी हो गए। काम कर करके हालत खराब हो गया, कल तो हम इतना शाम को नहाए ना कि सर्दी उर्दी सब पकड़ लिया, पूरा सिर एकदम भारी भारी सब। फिर हम बोले चलो दीपावली में तो हो ही जाता है, सबके घर काम काज लगा हुआ होगा, साफ सफाई हमको पता है। निकी मस्त यहाँ पे रेडी है नाश्ता करने, पापा को नाश्ता देने जा रही है यहाँ पे। आप कार्टून देख रहे हैं? अच्छा पापा बात कर, पापा पंडित जी से बात कर रहे हैं पूजा करवाने के लिए। हम अभी जस्ट पूजा पाठ अपना किए, मतलब अभी हो गया 10 मिनट, हम भी जा रहे हैं नाश्ता कर लेने। भजन उजन लगाओ ना निक्की, का ये सब देखते रहती हो कार्टून कार्टून नाश्ते में ना। आज मम्मी मम्मी नाश्ता बनाई है, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना, गोभी आलू का सब्जी, परवल का भुंजिया और 2 रोटी। मेरे लिए सबसे खुशी का बात पता है क्या होता है, कि घर से निकले और ऑटो मिल जाए। और निकी होती है क्या, तुमको चलना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमको बड़ा अजीब लगता है। अब चल आना तुमको एकदम नहीं है ऑटो, कितना? हाँ भैया चलिए ना, 20-20 रुपया देंगे। हाँ हाँ चलिए, अरे देंगे 20 रुपया, आओ ना बैठो। चलिए चलिए भैया कोई बात नहीं, चलिए मिल गया कॉफी नहीं वो। जो भाड़ा रहेगा वही ना देंगे। मार्केट में एकदम उतरे और मस्त गाना वाना बज रहा है। हो गया ना भैया, दे दी ना 20 रुपया, दी ना 20 रुपया ना। चलो आओ यहाँ पे, आओ अंकल जी के दुकान में पूछते हैं। गणेश जी लक्ष्मी जी का लेना है, मार्केट इतना सुंदर सज जाता है ना दीपावली टाइम, मतलब अच्छा लगता है। और पता है अगर मार्केट में गाना कहीं भी गाना बजना शुरू हुआ, बस हम थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा हो जाता है दूसरे टाइप का यार। पहले ले लेते देख लेते यहाँ पे और आप लोग भी दिखाते हैं कैसे है भैया। बहुत सुंदर सुंदर है, कैसे है ये वाला? 220। और ये वाला मूर्ति लिया, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ये लीजिए भैया। झोला झोला निकालो, झोला निकालो। निक्की बहुत अच्छा काम की थी पता है, झोला लेकर के आई है मार्केट। तो यहाँ पे आ गए हम लोग माला लेने और देखिए कितना सुंदर सुंदर माला टंगा हुआ है। हम ये वाला लिए येलो वाला, कैसा लग रहा है? कैसे भैया ये 40 एक पैकेट में हो जाएगा? 30 में। हाँ निकी हर जगह बार्गेनिंग करती है गाइस, देख लीजिए हम कहीं बार्गेनिंग नहीं करते हैं। और लड्डू ले लेते हैं, दे दीजिए भैया। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। मेरे लिए ना प्लस पॉइंट यही होता है कि हम जब भी मार्केट आते हैं तो हम घूम फिर के मंदिर जरूर आ जाते हैं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। यहाँ पे हम प्रसाद भी लिए चढ़ाने के लिए, आप भी दर्शन कर लीजिए और जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप कीजिएगा। तो थोड़ी देर सब्र करके बैठने के बाद यहाँ पे पंडित जी को देख के हमको बहुत खुशी हुआ। पंडित जी जय श्री राम, ये लीजिए चढ़ा दीजिए और हमको प्रसाद दे दीजिए। पता है दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाइए और मंदिर में बैठिए, दोनों का जो वाइब्स होता है ना और जो सुकून होता है वो बहुत अलग होता है, बहुत अलग। हम तो मंदिर में बैठते हैं तो लगता है कि बस अब सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। भैया हम पे कर दिए थे ना,
निकल गए यहाँ से अब तो कुछ फल उल लेना है क्या मौली ढाबा और हाँ भैया अंकल जी ये कितने का है 10 रुपया और ई 10 रुपया और चंदन पान का पत्ता 10 रुपया पान का पत्ता ले लिए और यहाँ पे आ गए मंदिर के जस्ट बगल में है अंकल जी का दुकान पूजा पाठ का यहाँ पे सारा सामान आपको एकदम किफायती रेट में मिल जाएगा तो अभी हम सूप दौली भी ले लेते हैं क्योंकि हम बताए ना छठ होने का बात है घर पे तो दीपावली के बाद क्या होता है ना कि रेट एकदम मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ जाता है ना भैया दीपावली के बाद रेट बढ़ा दीजिएगा ना अभी और बढ़ाइएगा रेट इसीलिए हम एक यहाँ पे दौरी ले लिए देखिए दादाजी ये रहा मेरा दौरी और ये रहा मेरा सूप ये बना भैया पता है सूप दौरी ले तो ली है लेकिन इसको उठाने का रहता है अभी अभी बढ़िया मेरा चोपा होता गिरते एकदम मुंह आगे से ही गिरते इसलिए हम उसको साइड कर दिए हम तो गिरते हैं लेकिन कोई और ना गिरे प्योर करंज है करंज में भी मिलावट आता है करंज का तो गिरता होगा ना कभी तुमको नहीं समझ में नहीं आएगा ये पता नहीं इसका नहीं अलग बेटा चल जाओगे बेटा काए 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 करंज का तेल है इसलिए तेल रही आप तो मुझे बोला भैया कैसे लगाइएगा भैया नीचे 2 लीटर छोटे वाला मोमबत्ती नहीं है ए पानी मन लगा के देंगे मोमबत्ती कितने का है कैंडल भैया बोल दिए तो आप लोग पहले ले लीजिए और जो उचित चलो तो हो गया यहाँ पे ले लिया करंज का तेल वगैरह और यहाँ पे देखिए मार्केट तो सजना शुरू हो गया है कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में तो भाई किसी को कुछ भी चाहिए धन्यवाद भैया चलो अब ले लेते हैं फटाफट से लड्डू गोला भारी होने लगा है और निकलते हैं मौली के स्कूल में हम फोन भी कर दिए मैम को कि हम आएंगे थोड़ा सा लेट हो जाएगा मौली को रोक के रखिएगा लड्डू कितना लेना है तो यहाँ पे रहा लड्डू लड्डू कैसे था भैया क्या 200 रुपए किलो ओए वहाँ पे तो 180 रुपए किलो दे रहा था हम यहाँ पे 120 सोच करके आ गए कुछ कम भी कीजिएगा कुछ कम नहीं कीजिएगा अब 20 रुपए के चलते वहाँ हम जाए छोला टाके सब कोई तो यही बोलते हैं भैया सब लड्डू में दीजिए दीजिए 2 किलो दीजिए देखिए निक्की हर जगह बार्गेनिंग करती है रुकिएगा भैया रुकिएगा भाड़ा बचाना है अरे अरे नहीं नहीं क्या 180 लगा रहे हैं 180 लगाइए 2 किलो दे दीजिए वहाँ पे वही दे रहे थे इसलिए जा रहे थे वहीं पे खाली है यहाँ पहुँच गए हम घर और घर आते के साथ छोटी मम्मी बाहर ही थी छोटी मम्मी को बता रहे थे कि सूप दौरी ऐसे ऐसे मिला मतलब इतना इतना कम मिला क्योंकि होना है पूजा होने का है घर पता है मौली का ना ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है और वो आराम से सोई हुई है आजकल उसको सुबह सुबह उठाने में ना हमको भी लगता है मतलब 7:30 में उसको उठा देते हैं उठने में इतना किनिर विनिर करती है ना एकदम ओई 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 करते रहती है फिर भी क्या बोले आदत होना भी तो ज़रूरी है ना बच्चा के लिए कि उसको भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ हमको सुबह भी उठना है मतलब जिंदगी बस ऐसा नहीं है कि बस मस्ती में मतलब सो के उठो ये वो उसको भी पता चलना चाहिए ना खैर अब बच्चा मेरा बहुत बड़ा हो गया मतलब समझदार हो गया उठ जाता है देखिए कैसे सो रही हुई है मेरा गुल्लू गुल्लू मेरा लाल मेरा छोना मोना उठ जा मेरा बच्चा ए बाबू बाबू उठो ना बाबू ट्यूशन का टाइम हो गया उठ जा गई हम लोग पहले इसको उठा करके फटाफट से ट्यूशन भेज देते क्योंकि टाइम हो गया ट्यूशन भेजने का फिर लेट हो जाएगी और अभी जा रहे इसको ट्यूशन लेकर के चलो 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 फटाफट से चलो सब लोग आ गए हैं चलो चलो तो गाइस पता है बाप रे बाप कल हम इतना साफ सफाई किए और शाम को जो नहाए है ना मेरा हालत खराब हो गया इतना छीक
हम 6:30 बजे के लगभग ना संजो दिखाया, देखिए ना तितली एक तो बैठ रही है आकर के बार बार पूछ रही है। अभी खाना पीना बनाया, 8 बज रहा है, सब लोग का एक साथ खाना निकाल दिए, 8:15 हो रहा है, सब लोग का एक साथ खाना निकाल दिए है और सब लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। हम खाना बनाया दाल चावल गोभी आलू का सब्जी सुबह वाला था और भुंजिया अभी बनाया, और मम्मी पापा निक्की सब हम लोग साथ में बैठ के खा रहे हैं। पहले पेट पूजा कर लेते, बहुत जोर से भूख लगा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे। अभी जस्ट मॉली को भेजे स्कूल और मेरा पानी भी गिर गया, और हम अपना एकदम फेवरेट वंदे भारत कप में पानी लेकर के, गर्म पानी लेकर के छत पे आए। बहुत दिन हो गया था छत पे आए, सुबह सुबह पूरा एकदम सामने से तेज धूप का रोशनी लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। इस महीने के बाद छठ उठ के बाद तो और अच्छा लगेगा धूप में। गाइस पता है कल रात को क्या हुआ? कल ना हम ब्लॉग इसलिए एंड नहीं कर पाए, कल रात को मॉली को सुला रहे थे तो 11:30 बज रहा था, वो सो नहीं रही थी, तो फिर हम उसको अपने साथ एकदम अपने में चिपका के सुला रहे थे उसको। तो हमसे बोलती है ना अचानक से उठ के, मम्मा मम्मा पापा का याद आ रहा है मम्मा। हम सुन के शॉक्ड कि अरे अचानक से बोलती है, पापा को बुलाओ ना, पापा को फ़ोन करके बुलाओ ना मम्मा। तो अब हम उसको क्या बोलें, हम बोले कि ठीक है तुमको पापा के पास भेज देंगे, तुम जाओगी तो हाँ हमको भेज दो ना, या फिर पापा को बुलाओ ना फ़ोन करके। तो फिर हमको उसको याद दिलाना पड़ा, हम उसको बोले ये चीज़ कि तुमको याद है ना कि पापा कैसे मम्मी को मारे थे, पापा कैसे हम लोग को भगा दिए थे, तुमको भी भगा दिए हैं पापा, हमको भी भगा दिए हैं। और पापा सुनी ना तो फिर बोलती है ना, नहीं मम्मा नहीं जाएंगे, हमको याद है पापा तुमको गाली दे रहे थे, पापा तुमको मारे थे ना, तुम्हारा हाथ से खून निकल गया था ना, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे पापा के पास। फिर जा करके उसका थोड़ा शांत हुआ, नहीं तो इतना इमोशनल हो गई थी ना कि बुलाओ पापा को, बुलाओ पापा के पास जाना है, ऐसे करके वो भी अचानक से। हमको लगता है ना कि बच्चा है और देख लेती है, मतलब और बच्चा लोग को देखती है पापा पापा करते या फिर ये सारा कुछ, तो उसको भी लगता होगा कि मेरे पापा, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ है और ये चीज़ डालने वाले हम ही हैं। हाँ हम डाले हैं उसके दिमाग में, उसको पता होना चाहिए कि उसके उसके पापा क्या किए हैं और दुनिया समाज सोसाइटी कैसा है, उसको ये चीज़ शुरू से पता है। मतलब इतनी छोटी है लेकिन उसको पता है कि पापा मम्मी को मारते थे और ये सारा सीन था, इसीलिए हम लोग नहीं है पापा के साथ। बोलती है नहीं मम्मा हम नहीं जाएंगे, खुद ही खुश है अपना लाइफ में, अपना बिंदास है, मस्त है, मतलब रिलेशनशिप में है, प्लस में आए दिन स्टेटस लगाता है खुद का, आए दिन अपनी गर्लफ्रेंड का हेन तेन, कभी अपनी बेटी का नहीं लगाया। बीवी का तो खैर हम तो उसकी पक्की दुश्मन थे, है ना, शादी के पहले सब सही, शादी के बाद सब गुड़गोबर। मैंने एक बच्चा हो जाता है ना तो औरत औरत नहीं रहती है, कुछ और ही हो जाती है फिर, भले जा जिसको जो करना है करो। लेकिन यहाँ पे हमको जितने लोग देख रहे हैं ना, आप सभी से मेरा एक टू रिक्वेस्ट भी होगा कि जब इस टाइप का क्वेश्चन करता है ना बच्चा तो उसको क्या जवाब देना चाहिए, उसको क्या बोल के बहलाए, क्योंकि हम तो उसको एकदम सच बता दिए, एकदम सच उसको पता है, क्या बोल करके उसका माइंड डाइवर्ट करें कि उसका एकदम अपने पापा के पास से एकदम दिमाग हट जाए, क्योंकि अभी भी कभी कभी वो याद करती है। हम नहीं चाहते कि अब वो याद करे, हम चाहते कि कम्प्लीटली भूल जाए। अब शिकायत मेरे पास भी है, बहुत शिकायत है, लेकिन हम शिकायत करते नहीं हैं। सबसे बड़ा चीज़ तो वो छोड़ दिया 2.5 साल, 2.5 साल में 2.5 रुपया नहीं दिया है अपनी बेटी को, कुछ भी नहीं सोचा कि उसका एडमिशन कैसे होगा, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका खर्चा, वो हमको नहीं करता, हमसे बर्दाश्त हो जाता, लेकिन अपना पैदा किया हुआ औलाद छोड़ दिया, ई बर्दाश्त के बाहर है। यही सारा मेरे मन के अंदर भी है, कह रहे हम ज़्यादा याद नहीं करना चाहते, सुबह सुबह वायरस को याद करके अपना पूरा दिन नहीं हमको हैंग करना है, इसीलिए ना भैया चलो ठीक है जो हुआ हटाओ मस्त। अभी हम एकदम छत पे अपना धूप सेक रहे हैं, हम जाएंगे अभी गर्म पानी पी लेंगे, उसके बाद जाएंगे नीचे में, बहुत काम अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है गाइस। आज धनतेरस है, धनतेरस का बहुत बहुत शुभकामना यहाँ पे जितने लोग हमको देख रहे हैं। वीडियो तो अभी अपलोड करेंगे मे बी, हाँ शाम तक ही अपलोड करेंगे। तो
फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना है और लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उड़ जा बेटा, उड़ जा मेरा सोना, उड़ जा मेरा लाल, उड़ जा मेरा हरा, उड़ जा मेरा गुलाबी, उड़ जा मेरा पंतुगा, मेरा रसगुल्ला, मेरा गुलाब जामुन।